ओके सो अभी हमने डिस्कस किया डायनामिक सॉरी कि नेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेट, नेट का मतलब क्या है, अननेट का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, अनट्रांसलेशन का मतलब क्या है, रियल आईपी क्या होती है, मैप्ड आईपी क्या होती है, डायनामिक का मतलब, नेट का मतलब, पैट का मतलब और स्टैटिक का मतलब। अब हम क्या करेंगे इन सभी चीज़ों को कंबाइन। तो सबसे पहले हम आज प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे क्या डायनामिक नेट। रियल टाइम में यूज नहीं होता, बट वी विल बी स्टार्टिंग विद डायनामिक नेट। ये हमारा बेस प्रैक्टिकल होगा जिसमें कि हम ये समझेंगे कि फायरवॉल पे नेट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। नाउ सबसे पहले हम डायनामिक के पॉइंट लिख देते हैं। डायनामिक के पॉइंट क्या थे? ट्रांसलेशन इज टेम्परेरी, इट इज यूनिडायरेक्शनल। एक और पॉइंट था वो लिख नहीं रहा मैं यहाँ, कनेक्शन एंट्री ट्रांसलेशन इज क्रिएटेड व्हेन ट्रैफिक इज कमिंग, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ट्रांसलेशन एंट्री इज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। एंड अब नेट का पॉइंट, ट्रांसलेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केवल लेयर थ्री इंफॉर्मेशन यूज होगी ट्रांसलेशन टेबल मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि ट्रांसलेशन टेम्परेरी है तो ट्रांसलेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर। एक पॉइंट रह गया नेट और पैट के बीच में, ट्रांसलेशन इज रन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस और वन मैप्ड आईपी इज यूज्ड टू ट्रांसलेट वन रियल आईपी। एंड रिमेंबर ट्रांसलेशन इज टेम्परेरी। अब इसमें से ये वाला पॉइंट क्लियर होगा आप सभी को, ये दो पॉइंट समझाने हैं। मान लेते हैं मेरे पास इनसाइड में पूरा एक नेटवर्क है, या फिर पांच अभी के लिए तीन यूजर ले लेते हैं, एक 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है, आउटसाइड में कोई डेस्टिनेशन है 5.1। फायरवॉल पर मैंने नेट कॉन्फ़िगरेशन की कि अंदर से कोई भी आईपी आए उसको ट्रांसलेट कर दो 1.1.1.1 में। क्या नेट कॉन्फ़िगर किया? अंदर से कोई कोई भी आईपी है उसको ट्रांसलेट कर दो। अभी हम कौन सा नेट डिस्कस कर रहे हैं? डायनामिक नेट। जैसे ही मैंने नेट कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या फायरवॉल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन टेबल के अंदर एंट्री को ऐड कर लेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसे ही बताया था आपने। आप सभी क्यों बोले? वो भाई बता रहे थे। ठीक है, अपने आप एंट्री क्रिएट नहीं होगी। अब अगर अंदर से पैकेट आया, मान लेते हैं 1.1 आईपी से कोई पैकेट आया 5.1 के लिए, अब लेयर फॉर इंफॉर्मेशन क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैसा नेट है? डायनेमिक नेट। फायरवॉल के पास पैकेट आएगा, फायरवॉल क्या करेगा? 1.1 आईपी को ट्रांसलेट कर देगा 1.1.1 में और पैकेट को क्या कर देगा? आगे सेंड। ठीक है, अब इसके बाद अगर इनसाइड से पैकेट आया 1.2 आईपी से 5.1, अब जब ये पैकेट आया
तो क्या ये पैकेट 1.2 IP नेट रूल से मैच करेगा? एनी के अंदर 1.2 IP भी आता है। अब इसका मतलब फायरवॉल को ये आईपी क्या करना पड़ेगा, नेट। लेकिन नेट करने के लिए कितने नेटेड आईपीज हैं? एक। और रूल क्या कहता है डायनेमिक नेट का? एक मैप्ड आईपी बस एक रियल आईपी को ट्रांसलेट करने के लिए यूज हो सकता है। इसका मतलब अगर एक मैप्ड आईपी बिजी है तो वही मैप्ड आईपी किसी दूसरे आईपी को ट्रांसलेट करने के लिए यूज नहीं हो सकता। इतना क्लियर? दूसरा क्या, ट्रांसलेशन इज टेम्परेरी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान लेते हैं 1.1 से ट्रैफिक आया 5.1 से और ये पैकेट बाहर चला गया, कम्युनिकेशन हो गया, और ये ट्रांसलेशन एंट्री कुछ देर बाद क्या हो गई, रिमूव। ट्रांसलेशन टाइम आउट लिख रहा हूँ कितना होता है, 3 आवर्स। ये है आपका आइडल टाइम आउट ऑफ एक्सलेट फॉर डायनेमिक नेट। ठीक है, 3 घंटे बाद ये एंट्री क्या हो गई, रिमूव। अब जब एक बार एंट्री रिमूव हो गई, फिर से 1.1.1 IP क्या हो गई, फ्री। अब अगर यहां से कोई भी पैकेट आता है, 1.2 से है, 1.3 से है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी पहले आएगा वो ट्रांसलेट होके चला जाएगा। जैसे मान लो ये 3 स्टूडेंट हैं, ये क्लास के अंदर बैठे, इनको बाहर जाना है, लेकिन बाहर जाते वक्त आपको एक टोकन लेके जाना है, और टोकन एक ही है, और एक टाइम पे मतलब एक ही बंदा जा सकता है। ठीक है, अब पहले कौन जा सकता है, जो पहले आएगा, जो पहले जाएगा वो आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा जाना चाहता है वो जा सकता है। ऐसा सीसीए लैब में होता है। एक बार आप बाहर चले गए और आपके पास कार्ड नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते, जहां पे एग्जाम होता है वहां पे वो क्या लगा रखा है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन। जैसे वो नहीं होता जो ऑफिसेज में गेट होते हैं, मतलब कार्ड से ओपन होते हैं, आप कार्ड लेके बाहर नहीं आए, बाहर तो आप आ सकते हो आराम से, कार्ड नहीं है तो अंदर नहीं जा पाओगे। समझ में आया डायनेमिक नेट? ट्रांसलेशन इज टेम्परेरी, 1-to-1 मैपिंग, जो पहले आएगा वो पहले नेट हो जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या है, ये नेट में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ये नेट यूज करता हूँ प्राइवेट टू पब्लिक कम्युनिकेशन कराने के लिए, और मान लो मेरे पास 100 प्राइवेट यूजर हैं, प्राइवेट आईपीज हैं, तो मुझे डायनामिक नेट अगर मैं यूज करता हूँ तो कितने पब्लिक आईपी चाहिए, जितने प्राइवेट आईपी उतने पब्लिक आईपी। अब अगर मैं 100 पब्लिक आईपी परचेज करूंगा तो वो आईपी अंदर ही कंफिगर कर दूंगा, नेट क्यों करूं। तो रियल टाइम में डायनेमिक नेट इज नॉट यूज्ड, स्केलेबल नहीं है, तो ये नेट यूज रियल टाइम में नहीं होता। आमिर ये वाला पॉइंट समझाओ। हाँ सर, जो भी पहले इनिशिएट करेगा उसको जो पब्लिक आईपी मिलेगी, और जो सेकंड होगा उसको इनिशिएट करेगा तो उस पे जो पब्लिक आईपी होगा वो बिजी होगी उसमें ट्रांसलेट होने में, तो उसको वेट करेगा अंटिल जब तक उसका फ्री हो जाएगा। अगर मैंने ये नेट रूल कॉन्फ़िगर किया है तो इनमें से अंदर में से कोई भी आईपी जो पहले आएगा वो ट्रांसलेट होके चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये नेट कॉन्फ़िगर है तो 1.1 ही आएगा तो ट्रांसलेशन होगा, फिक्स नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और जो ट्रांसलेशन होगा वो कैसा है, टेम्परेरी। इतना क्लियर? तो अभी हम डायनेमिक नेट का प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे कि नेट फायरवॉल पे कैसे कन्फिगर करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, रियल आईपी क्या होता है, मैप्ड आईपी क्या होता है, इंग्रेस इंटरफेस क्या होता है, ईग्रेस इंटरफेस क्या होता है। तो चलो नेट कन्फिगर करते हैं। तो मैप आईपी उसका आईपी एड्रेस फिक्स करता है, ऐसे 1.1 को 1.1.1 में होगा, 2.1 भी अगर ट्रांसलेट होगा तो उसी आईपी में होगा। अगर एक ही मैप्ड आईपी है तो एक पॉइंट और रह गया, भूल गए, रुको। हाँ, इन डायनामिक नेट देर इज ऑलवेज ए पूल ऑफ मैप्ड आईपी। कभी
कभी भी केवल एक आईपी नहीं होगा मैप्ड आईपी, हमेशा मल्टीपल आईपीज होंगे। जैसे कि अगर मैं ये, अगर मैंने ये नेट रूल कॉन्फ़िगर किया कि एनी अंदर से कोई भी आईपी आए उसको ट्रांसलेट कर दो 1.1.1 में और 2.2.2 में, मतलब मेरे पास दो आईपी हैं, पूल का मतलब एक से ज़्यादा आईपी, केवल एक आईपी नहीं हो सकता डायनेमिक नेट के केस में। अगर डायनेमिक, अगर मेरे पास एक मैप्ड आईपी है तो वो क्या बन जाएगा, डायनेमिक पैट। अब मान लेते हैं मेरे पास ये तीन यूजर हैं, इनको बाहर जाना है, पहले आया 1.1 तो 1.1 ट्रांसलेट होगा किस में, 1.1.1 में, फिर आया 1.3, 1.3 ट्रांसलेट हो जाएगा इसमें। अब कोई तीसरा यूजर आए तो वो ट्रांसलेट नहीं होगा। वो बात वही है जो मैंने पहले समझाई थी, बस क्या है हमेशा क्या होगा पूल, दो तीन चार पांच कितनी भी आईपी हो सकती है, एक नहीं होगी। चलो अब प्रैक्टिकल करते हैं। देखो जैसे जैसे चीजें ऐड होती रहेंगी ना, अच्छा वो वाली ACL नहीं, वो वाली ACL नहीं बनेगी, लेकिन वो जो अलग से ACL बनती थी ना वो तो बनेगी। मतलब इसके लिए नहीं, नेट के लिए वही तो बता रहे हैं। अच्छा आज के सिनेरियो में ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है इसमें मैंने IP एड्रेसेस को चेंज कर रखा है 1.0.1.10 और 1.0.1.1। ये IP एड्रेसेस कैसे हैं, पब्लिक IP। अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसे क्या कंसीडर करना चाहता हूँ ISP, तो मैंने इस वाले राउटर पर ना तो इस IP के लिए कोई राउट ऐड किया और ना ही इस IP के लिए, मतलब राउटर 1 पे डिफॉल्ट राउट है, राउटर 2 पे डिफॉल्ट राउट है, राउटर 3 पे कोई राउट नहीं है। अगर राउटर 3 पर राउट नहीं है तो ना तो राउटर 1 राउटर 3 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और ना ही राउटर 2 राउटर 3 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, राउट। इतना क्लियर? तो डिवाइसेस को पावर ऑन करते हैं और टास्क लिखते हैं। कल भी प्रैक्टिकल करेंगे हम। कॉन्फ़िगर डायनेमिक नेट ऑन ASA1 सो दैट एनी आईपी फ्रॉम 192.168.1.0 नेटवर्क इज translated to IP. ठीक है, अगर आप फायरवॉल पे जब भी नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो पहले अगर आप दो तीन चीज़ें फिगर आउट कर लेंगे तो आपको नेट कॉन्फ़िगर करते वक्त कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप फायरवॉल पे नेट कॉन्फ़िगर करो या फिर किसी भी डिवाइस पर फिगर आउट कर लो कि जो मुझे नेट कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए रियल आईपी क्या है और मैप्ड आईपी क्या है, इंग्रेस इंटरफेस क्या है और ईग्रेस इंटरफेस क्या है, रियल आईपी क्या है, मैप्ड आईपी, थर्टी इंग्रेस इंटरफेस जहां पर रियल आईपी कनेक्टेड होता है, इनसाइड ईग्रेस इंटरफेस, आउटसाइड। अब बस हमें नेट स्टेटमेंट को रन करना है और नेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। दो मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमने फिगर आउट कर लिया रियल आईपी क्या है, मैप्ड आईपी क्या है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप वन create object for real IP and mapped IP। अब ये object क्या है, object एक बस
पैरामीटर है जहां पर हम क्या करते हैं आईपी एड्रेसेस को स्पेसिफाई। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज ए क्या बोलेंगे, डेटाबेस या फिर फीचर, नहीं फीचर तो नहीं, लेयर थ्री इंफॉर्मेशन बता सकते हैं या फिर लेयर फोर, क्योंकि जब हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं डायनेमिक नेट भी हो सकता है और पैट भी हो सकता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क या फिर क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट सर्विस। ऑब्जेक्ट नेटवर्क का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क में आप क्या कर सकते हो, कैन स्पेसिफाई एन आईपी रेंज और सबनेट। आईपी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो, एक आईपी बता दो, सबनेट बता दो या फिर रेंज। एंड याद रखना इट कैन हैव ओनली वन मैच स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल के टाइम पे समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सर्विस कैन स्पेसिफाई पोर्ट इंफॉर्मेशन टीसीपी और यूडीपी, आई थिंक टीसीपी होता है बस, एंड इसमें भी क्या होता है इट कैन हैव ओनली वन मैच स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर रियल आईपी एंड मैप्ड आईपी। अब आईपी के लिए बनाने तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नेटवर्क या फिर ऑब्जेक्ट सर्विस नेटवर्क। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब बनाना ऑब्जेक्ट बनाना सिंपल है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क कमांड होती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो नाम देते हैं यहां पर जैसे कि रियल आईपी, कोई कंफ्यूजन ना हो अभी के लिए, और यहां पर हम क्या बता सकते हैं कोई भी आईपी, एक आईपी बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं या फिर सब। तो अभी हमें क्या बताना है, सबनेट 1.0, ठीक है। इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट नेटवर्क मैप्ड आईपी, इसमें क्या होगा रेंज। दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं आपको, ये हो गया आपका स्टेप वन। और स्टेप टू क्या, रन नेट स्टेटमेंट अंडर रियल आईपी ऑब्जेक्ट। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तब मैंने क्वेश्चन मार्क यूज किया था, यहां पर देखो एक नेट कीवर्ड भी अवेलेबल होता है जिससे कि हम नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब मुझे नेट स्टेटमेंट रन करनी है कौन से ऑब्जेक्ट के अंडर, रियल आईपी ऑब्जेक्ट के अंडर। और नेट स्टेटमेंट होगी क्या, जैसे कि मान लेते हैं मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क
रियल आईपी। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेटमेंट चला रहा हूं तो मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि रियल आईपी है क्या, ये अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या होगी, नेट यहाँ पर आपका इंग्रेस इंटरफेस, फिर ईग्रेस इंटरफेस, फिर यहाँ पर आप बताते हो कि आपको डायनेमिक नेट करना है या फिर स्टैटिक, और उसके बाद मैप ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिकल है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है मैंने। कल जब हम दोबारा प्रैक्टिकल करेंगे तब क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और क्या करते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट रन करते हैं, ऑब्जेक्ट नेटवर्क रियल आईपी नेट इनसाइड आउटसाइड डायनामिक और मैप्ड आईपी का ऑब्जेक्ट। क्या नाम था, डन, खत्म। फिक्स अ प्रोटोकॉल आईसीएमपी, पिंग हो गया। अभी बस हमने नेट कॉन्फ़िगर किया, कल वेरिफिकेशन भी हम इसकी कल ही करेंगे, टाइम अप। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने पार्ट आपको समझाया ना अभी कॉन्फ़िगरेशन वाला, इसमें कुछ और ऑप्शंस होते हैं, तो कल हम वो कंप्लीट कर लेंगे।